फील्ड पे भी पूरे टीम का मार्गदर्शन निर्देशन किया, साथ साथ साइबर इनपुट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है, जिससे कि हम लोगों को मतलब ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इस तरीके की घटना में गैंग को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन घटना के मुश्किल से 6 घंटे के अंदर अंदर हम लोग पूरी गैंग को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। बस हमको समय लगा मुंबई पहुंचना और उनके लोकेशन को मिलना, बट फिर भी पहले 30 घंटे के अंदर अंदर हम लोग जो 2 मुख्य इसके आरोपी हैं उनको हम लोग पकड़ चुके थे, उनको कस्टडी में ले चुके थे और उनसे फिर हम लोगों ने रिकवरी की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी थी। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑपरेशन रहा जिसमें हम लोगों को काफ़ी बड़ा अमाउंट जो ठगी में गया था रिकवर करने में सफलता मिली है, लगभग 60% हमने रिकवर कर लिया है। अभी हम इनका पुलिस रिमांड भी लेंगे और हमें उम्मीद है कि कुछ और भी हम इनसे रिकवरी कर पाएंगे। इनके काफ़ी सारे बैंक जो खाते हैं उनको हम लोगों ने फ्रीज कराया है क्योंकि कुछ ठगी का पैसा इनके खातों पे भी गया था। तो पूरी टीम को वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बधाई दी है, साथ साथ हम लोग भी वरिष्ठ अधिकारियों को इनाम की अनुशंसा कर रहे हैं पूरी टीम के लिए जिसने ये सफलता दिलाई है। और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से लोगों को ये जानकारी भी मिलेगी कि ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां जब आती हैं तो उनका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है छापामारी का, जब्ती का। तो कभी भी कोई ऐसे आपके पास आते हैं तो एक बार खुद भी इंश्योर हो जाए और अगर मौका है तो पुलिस से जरूर संपर्क करें ताकि इस तरह की ठगी किसी और के साथ ना हो सके। पैसा कहाँ छुपा के रखे थे? ये सारे जो पैसे हैं इन लोगों ने रास्ते में बांट लिया था, उठाना चाहते हैं, इसका कमीशन हमको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो गजानन ने अलग अलग महाराष्ट्र में कुछ व्यापारियों से संपर्क कराया और गजानन का छत्तीसगढ़ में भी कुछ एजेंट से संपर्क था, उसने यहाँ के एजेंट से संपर्क कराया और यहाँ के एजेंट्स ने फिर जो व्यापारी अखिलेश गुप्ता जो पीड़ित है उनसे इनका संपर्क कराया। तो ये पूरा चेन बना जिसमें महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक का लिंक बना। हम लोगों ने इस मामले में जितने एजेंट्स हैं सबसे विस्तृत पूछताछ की, सबकी पूरे मोबाइल डिटेल्स, कॉल डिटेल्स, सबका डॉक्यूमेंट्स खंगाला है, लेकिन इनका इस अपराध में कोई संलिप्तता अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है, उसके संबंध में कोई एविडेंस नहीं मिला। मुंबई पुलिस से भी, क्योंकि उन लोगों ने भी अपने एक केस में इनको पहले ऑलरेडी आरोपी बनाया था, वहां से भी हम लोगों ने पूरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए हैं। तो ये लोग एक गैंग के तौर पर काम करते हैं, गैंग संभवतः और बड़ा है। अभी भी हम लोग 3 लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, वो 3 अभी फरार हैं, हमारी टीम अभी भी उनको तलाश करने के लिए है रुकी है। तो हमें उम्मीद है कि उनकी गिरफ्तारी होने के पश्चात और भी कुछ रिकवरी हमको मिल जाएगी। ये इन लोगों ने पहले ही मुंबई पहुंचने से पहले इसमें से बल्कि 2 आरोपी हमको नासिक से मिले हैं, ये पैसे भी नासिक में उनके पास रखे थे। कुछ लोगों ने अपने घर में छुपा रखा था, कुछ लोगों ने रिश्तेदारों के यहाँ भी छुपा रखा था, कुछ बैंक अकाउंट बैंक लॉकर्स वगैरह से भी हमको मिला है। तो अलग अलग ठिकानों पे पैसे छुपा कर रखे। इस गिरोह में कितने लोग अभी जो हम लोगों के यहाँ पे आए थे, दुर्ग में आए थे, 11 लोग आए थे जिसमें से 8 लोग हमारी कस्टडी में हैं, 3 अभी भी फरार हैं, उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारा ऐसा विश्वास है कि ये हो सकता है इसमें दूसरी जगह, क्योंकि ठगी वगैरह ये लोग करते हैं, तो और भी कुछ लोग हो जो कि इनके साथ शामिल होते रहे हो और अलग अलग रोल प्ले करते हो। सर पुलिस की टीम में कितने लोग थे? लेकिन मास्टर माइंड जो है इस पूरे ग्रुप के वो सारे के सारे पकड़े गए। सर पुलिस की टीम कितने की टीम गई थी? पुलिस की शुरुआत में 2 टीमें हम लोगों ने भेजी थी, उसके बाद फिर क्योंकि आवश्यकता बढ़ रही थी वहाँ पे काफ़ी जगह हमको, मैं बता दूँ मुंबई में अकेले हमारी पूरी टीम ने 2500 किलोमीटर का सफर तय किया है अलग अलग जगह और ठिकानों पे छापे मारने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए और रकम ये करने के लिए, रिकवर करने के लिए। और लगातार सुबह से लेकर रात तक, मतलब मैं तो जिस समय भी मेरी पूरी टीम से बात होती थी ये लोग कहीं ना कहीं बाहर या तो किसी का छापेमारी में जाते रहते थे, किसी का इंतजार करते थे या तो इंट्रोगेशन करते थे। इसमें टोटल अमाउंट था कितना? इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि हम लोगों को महाराष्ट्र पुलिस, स्पेशली मुंबई पुलिस से बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिला, मतलब एक अभूतपूर्व सपोर्ट मिला। हम लोगों ने बस उन तक एक बार मैसेज पहुंचाया कि हमारे यहाँ ऐसी घटना हुई है। पहले दिन भी जब हम लोग को पता चला था कि ये लोग महाराष्ट्र की तरफ निकल रहे हैं तो गोंदिया से लेकर मुंबई तक नाकेबंदी का पूरा उन लोगों ने आदेश निकाला था, हालांकि लोग अंदर अंदर के रास्ते से गए तो नाकेबंदी में नहीं पकड़ा पाए। और उसके बाद भी लगभग 10 अलग अलग पुलिस स्टेशन से हम लोगों ने संपर्क किया, सभी ने हमको पूरी तरीके से सहयोग किया आरोपियों को पकड़ने में और पैसों की रिकवरी में। तो इसके लिए भी हम अपनी तरफ से उनको धन्यवाद भी देते हैं
और हम लोग अपनी तरफ से जो भी उचित उनके लिए प्रोत्साहन इनाम होगा वो हम देंगे। सर कोई एजेंट्स भी गिरफ्तार हुआ है क्या इसमें? नहीं, इसमें कोई एजेंट गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसमें जो मैंने बताया जो एजेंट्स जिनके माध्यम से लोगों ने संपर्क किया था वो खुद भी इसी झांसे में थे कि ये लोग किसी बड़ी कंपनी के एजेंट मतलब बड़ी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो बिजनेस डील है वो फेयर डील है, इसमें इनको कमीशन मिलेगा, इनको फायदा होगा। कितने का ये टोटल ठगी कितने का हुआ था? टोटल ठगी 2 करोड़ की हुई थी। जो रकम था एग्जैक्टली 2 करोड़ का रकम इन लोगों ने उनको प्रॉमिस किया था, 2 करोड़ का रकम ये लोग लेकर गए थे। इसमें से 1 करोड़ 26 लाख हमने रिकवर कर लिया। पूरा पैसा एक ही व्यक्ति का था क्या? नहीं नहीं, अलग अलग व्यक्तियों से मिला है जैसे मैं भी बताया। जो पीड़ित है एक ही है या दो करोड़ उसी का गया है कि अदर अदर के? जो इन लोगों ने पीड़ित से भी अभी हमारी जो बातचीत हुई है, जो विस्तृत पूछताछ हुई है, तो क्योंकि ये पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इनसे संपर्क किया गया था तो इन्होंने अपने कुछ साथियों को भी बताया था कि इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करने से सबको फायदा होगा, तो 2-4 लोगों ने मिलकर के ये पूरा पैसा कटा। सर टोटल रिकवरी कितना? सर 1 करोड़ 26 लाख 16 हजार। ये जैसे परिजन के यहाँ भी ये लोग पैसा बरामद किया तो उनको भी अपना आरोपी बना रहे हैं? एक जो परिजन जो उनकी वाइफ का मैं नाम बताया था आपको, उनके पास से हमको कैश भी मिला है, कुछ ज्वेलरी भी मिली है, तो उनको आरोपी हमने बना। जो कॉन्स्पिरेसी में थे उनको बना रहे हैं, जो लोग जो अनजान थे उनको जब्ती बनाए और रकम को और प्रार्थी को दोनों को अपने साथ लेकर चले गए। राजनांदगांव में जब इनको ये बात पता चली तो ये समझ में आ गया था कि इनके साथ ठगी की घटना हुई है। तत्काल हमारी सारी टीम एक्टिव हो गई। विशेष तौर पे मैं बताना चाहूँगा CSP साहब ने तत्काल वो जहाँ रुके थे उनके रुकने के स्थान से उनका पहचान